हेलो एवरीवन एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, क्या आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं? आपकी जो इरिडेशन शार्क फिश है वो कुछ भी नहीं खा रही है, बहुत ही ज़्यादा डरी हुई रहती है। इसका स्ट्रेस को हम लोग कैसे कम करें? ये 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, ये कुछ भी नहीं खा रही है, तो क्या ये मर जाएगी? तो आज के वीडियो में 5 सीक्रेट टिप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप ये 5 चीज़ को सही से अपने टैंक में फॉलो कीजिएगा जैसे कि मैं बता रहा हूँ, तो आप देखिएगा डेफिनेटली आपका जो फिशेज का जो स्ट्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा और वो उसके बाद बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी, पैलेट्स वगैरह सही से खाने लगेगी और मेनली उसका स्ट्रेस जो वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। ये डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है, बट उसके लिए आपको मेरा आज का जो भी वीडियो है कम्प्लीटली पूरा बहुत ध्यान से देखना होगा। बट आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, प्लीज़ उसको प्रेस कीजिए, उसको तोड़ दीजिए, लेकिन वो प्रेस हो जाना चाहिए। उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखिएगा जिससे कि आपको मेरा आने वाला हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इरिडेशन शार्क फिश के बारे में। इरिडेशन शार्क फिश जो होती है ये स्टार्टिंग से ही थोड़ी सी डेलिकेट फिश होती है, ये बहुत ही जल्दी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और जब ये बहुत ज़्यादा छोटी होती है तब तो ये बहुत ही ज़्यादा डरती है, लेकिन जैसे धीरे धीरे ये ग्रो करती है इसका डर भी जो है वो धीरे धीरे कम होता है। लेकिन अगर आप उसको पहले से ही रखिएगा तो वो अगर आपको धीरे धीरे टाइम टू टाइम अगर आपको जान लेगी कि आप उसको कोई भी तरीके का हार्म नहीं पहुँचाते, उसको हमेशा उसके साथ इतना टाइम स्पेंड करते हैं, तो उसका जो स्ट्रेस है वो धीरे धीरे टाइम टू टाइम कम हो जाता है। लेकिन जब भी हम लोग न्यू फिश बाय करके लेके आते हैं या एक बड़ी फिश अपने टैंक में डालते हैं तो वो स्टार्टिंग के टाइम डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा डरेगी। आप देखिएगा एकदम तेज़ी से स्विम करेगी एक्वेरियम में, उस कोने में अपने मुँह मारेगी, उस कोने में मुँह मारेगी, एकदम तेज़ी से स्विम करने लगेगी। ये एक इरिडेशन शार्क फिश का बहुत ही कॉमन सा बिहेवियर है। तो अब बात आता है इस फिश का स्ट्रेस को कैसे कम करें, इस फिश को कैसे काम डाउन करें। तो सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो हम लोग को करना होता है, अगर आपके फिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से स्विम कर रही है, बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है, तो उस टाइम पे लाइट्स को कम्प्लीटली ऑफ कर दीजिए। लाइट्स अगर ऑफ कर दीजिएगा तो इससे देखिएगा ऑटोमेटिकली आपकी जो भी शार्क फिश है वो बहुत ही ज़्यादा काम डाउन हो जाएगी। वो अगर तेज़ी से मुँह इधर मार रही है उधर मार रही है, अपने आप को हर्ट पहुँचा रही है, कम्प्लीटली लाइट्स को ऑफ कर दीजिए। बहुत ही ज़्यादा डार्क लाइट भी आपको नहीं करना है, एकदम ब्लैक कर देना, हल्का रखिए या लाइट्स एक्वेरियम का लाइट्स ऑफ कर दीजिए, रूम का लाइट वगैरह जलते रहने दीजिए। ये देखिएगा बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। आप देखिए साथ ही साथ आपकी जो इरिडेशन शार्क फिश वो एकदम शांत हो गई, अब काम डाउन हो गया, वो पानी में अच्छे से स्विम कर रही है। तो ये सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इस फिश के लिए। और दूर से ऑब्जर्व करना, पास से ऑब्जर्व नहीं करना, पास से भी अगर आप देखिएगा तो वो देखिएगा बहुत ज़्यादा डरी भी रहेगी क्योंकि उसको समझ में आ रहा है एक्वेरियम के पास आसपास में कोई चीज़ है। इसलिए टैंक को दूर से ऑब्जर्व किया और देखिए आपकी फिश जो है वो देखिएगा धीरे धीरे शांत हो जाएगी। तो इसलिए लाइट्स को भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान से इस फिश के लिए जलाना होता है। उसके बाद धीरे धीरे करके इसको लाइट का आदत देना, लेकिन पहले उसको आप लाइट्स वगैरह ऑफ रखिए। जब पैलेट्स वगैरह खाने लगेगी धीरे धीरे आपको करना है, क्योंकि अगर आप अचानक से फिर अगर सोचिएगा 2 घंटे बाद लाइट ऑन कर देते हैं अब शायद ये नॉर्मल हो गई, तो ये एकदम ही नहीं है। लाइट ऑफ ही रखें, ये कई बार महीना दिन तक भी जा सकता है। आपको धीरे धीरे फिर देखिएगा क्या कर आपको अब देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ। पहले आप लाइट ऑफ कर दिए, पैलेट्स वगैरह दिए, खाती है तो ठीक है, दूसरे फिशेस को अगर वो देखिए खाते हुए तो अपने खाना स्टार्ट कर देगी, नहीं खाती है तो छोड़ दीजिए, लाइट्स अभी भी ऑफ रखिए। फिर क्या कीजिए 2 घंटे 3 घंटे के लिए लाइट जलाइए, वो देखिएगा थोड़ा सा डरेगी लेकिन फिर उसको फिर 2 घंटे 3 घंटे में लाइट्स को ऑफ कर दीजिए। फिर नेक्स्ट डे आइए, फिर उसको पैलेट्स अंधेरे में दीजिए, वो खाती है कि नहीं, फिर उसको नहीं खाती है, अगर खा लेती तो अच्छा है, नहीं खाती है तो फिर पैलेट्स वगैरह छोड़ दीजिए, दूसरी फिशेज वगैरह खा लेंगे, फिर लाइट्स को 1-2 घंटे के लिए जलाइए। तो ऐसे करके आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन हफ्ते दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीने तक करना है। धीरे 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 ये जो फिश है देखिएगा आपके एक्वेरियम के हिसाब से ये ढल जाएगी। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है कि ये फिश मेरा 10 दिन हो गया 15 दिन हो गया नहीं खा रही है, तो इसको कैसे हम लोग पैलेट्स वगैरह वापस खिलाने का आदत दिलाएं, तो इस टॉपिक से रिलेटेड मेरा पहले से एक वीडियो है, वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप चाहे तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में भी जाके देख सकते हो, उसमें बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में हम लोग बात किए कि कैसे उस टाइम पे उस फिश को हमें कुछ ना कुछ खिलाएं, क्योंकि अगर ज़्यादा दिन हो जाता है वो नहीं खाती तो मे भी वो मर सकती है। इसलिए वो वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, वो वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो ये अब लाइट का प्रोसेस आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं मेरे सेकेंड पॉइंट के ऊपर में, वो है एडिंग मोर फिशेज।
अगर आप अपने टैंक में अकेला एक इरिडेशन शार्क फिश रखते हैं तो इससे भी ये जो इरिडेशन शार्क फिश होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है। इसलिए टैंक में आप क्या कीजिए, थोड़ी बहुत और भी दूसरी फिशेज वगैरह डाल दीजिए, जैसे कि थोड़ा बहुत और इरिडेशन शार्क फिश वगैरह डाल दीजिए, दो तीन और इरिडेशन शार्क फिश डाल दीजिए, इससे भी उसका स्ट्रेस को कम होने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलता है। या फिर उसके साथ ही साथ दूसरी स्पीसीज की भी फिशेज डाल सकते हैं, लेकिन वो ऐसी फिशेज डालिएगा जो कि इरिडेशन शार्क फिश को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए, ना ही इरिडेशन शार्क फिश उसको ज़्यादा नुकसान पहुँचाए। ऐसी फिशेज डालिएगा, वो अगर देखेगी कि ये सारी फिशेज ओपनली स्विम कर रही है तो देखिएगा ऑटोमेटिकली आपकी जो भी इरिडेशन शार्क फिश उसका भी स्ट्रेस कम हो जाएगा और उसके साथ ही साथ वो भी टैंक में ओपनली स्विम करने लगेगी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, ये भी डेफिनेटली वर्क करता है। एडिंग मोर फिशेस, हमेशा देखिएगा एडिंग मोर फिशेस करने से ऑटोमेटिकली फिशेस का जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है, स्पेशली इरिडेशन शार्क फिश के अगर बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो। थर्ड नंबर पे आता है, ये सारा चीज़ करने के बाद आपको थोड़ा बहुत और भी टेक केयर वगैरह करना होगा, जैसे कि आपको टैंक में थोड़ा बहुत रॉक सॉल्ट डालना होगा, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ये फिश का बॉडी में स्केल्स वगैरह नहीं है, ज़्यादा डालने से उसके स्किन वगैरह में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा रॉक सॉल्ट से, थोड़ा बहुत रॉक सॉल्ट डाल दीजिएगा तो इससे भी देखिएगा फिशेस का जो स्ट्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। रॉक सॉल्ट भी फिश का स्ट्रेस को कम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, इसलिए टैंक में थोड़ा बहुत रॉक सॉल्ट वगैरह डाल दीजिएगा, या फिर स्ट्रेस हीलर करके बहुत सारा मेडिसिन वगैरह आता है उसका भी स्मॉल क्वान्टिटी आप डाल सकते हैं, ये भी उस टाइम पर इरिडेशन शार्क फिश का स्ट्रेस को कम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। फोर्थ नंबर पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप आता है, वो होता है वाटर टेम्परेचर रेस कर देना। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे पानी में अपने इरिडेशन शार्क फिश को रखते हैं, ठंडे पानी के वजह से भी इरिडेशन शार्क फिश बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है, बहुत ही ज़्यादा इनएक्टिव हो जाती है, इसलिए पानी का टेम्परेचर वार्म होना ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वार्म टेम्परेचर में हर कोई फिशेज देखिएगा जो बहुत ज़्यादा डरी हुई है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, सारे फिशेज का स्ट्रेस जो एकदम खत्म हो जाता है, फिशेज बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, इसलिए वार्म वाटर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इरिडेशन शार्क फिश के लिए अगर वो बहुत ही ज़्यादा डर रही है तो। तो अब बात करते हैं टेम्परेचर हमें वो कितना तक लेके जाना है। टेम्परेचर मैक्सिमम भी अपने टैंक का जो रखना है वो 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखना है, क्योंकि इस टेम्परेचर में फिशेस को देखिएगा बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलता है फूड्स को डाइजेस्ट करने में, और मेनली इस टेम्परेचर में फिशेस का कलर, इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करता है, और फिशेज मेनली इस टेम्परेचर में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहती है। इसलिए कभी भी इरिडेशन शार्क फिश को बिना हीटर का मत रखिएगा, बिना हीटर का रखने के वजह से उसको तुरंत अगर बहुत ज़्यादा डरी हुई है तुरंत वाइट स्पॉट डिजीज वगैरह हो जाएगा, उसके साथ ही साथ वो बहुत ही जल्दी मरना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए टैंक में एक हीटर होना और पानी को वार्म रखना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिफ्थ और लास्ट जो चीज़ आपको उस टाइम पे करना होता है वो होता है 50% पानी चेंज कर दीजिए। अगर आप देख रहे हैं न्यू फिश बाय करके लेके आया है वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में, तो आप क्या कीजिए 50% पानी चेंज कर दीजिए, उसके साथ ही साथ न्यू 50% जो भी पानी डाल रहे वो फ्रेश होना चाहिए, उसमें कोई भी अमोनिया, नाइट्रेट या फिर कोई भी क्लोरीन वगैरह नहीं होना चाहिए, फ्रेश पानी डालिएगा। पानी का क्वालिटी अगर फ्रेश हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली देखिएगा ये फिश देखिएगा अचानक से काम डाउन हो जाएगी और फिर पानी में अच्छे से स्विम करेगी। कई बार ऐसा भी होता है पानी का बहुत गंदा क्वालिटी के वजह से भी फिशेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में चली जाती है या फिर एकदम खाना बंद कर देती है। और जब भी आप पानी चेंज कर रहे हैं तो बहुत ही हल्के हल्के कीजिएगा, क्योंकि पानी चेंज करने टाइम में ये फिश बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, इसलिए आप जो भी पानी वगैरह चेंज कर रहे हैं बहुत हल्के हल्के करना है जिससे कि फिशेस को ज़्यादा डर और भी ज़्यादा डर ना जाए वो, इसलिए पानी भी हल्के हल्के करके चेंज कीजिएगा, बहुत ज़्यादा फिश को परेशान मत कीजिएगा, लाइट वगैरह ऑफ करके कीजिएगा जिससे कि फिश बहुत ज़्यादा घबराए नहीं, इससे भी फिश का स्ट्रेस को कम होने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलता है। और ये सारा चीज़ को आपको सही से फॉलो करना और उसके साथ ही साथ आपको थोड़ा सा टाइम देना है, ये सारा चीज़ ऐसा नहीं है कि मैजिक है ये तुरंत ही वर्क करेगा, इसको करने में कम से कम 10-15 दिन तक का टाइम कम से कम दीजिए, जिससे कि फिशेस भी जो है वो 1-2 दिन में एकदम ओपन नहीं हो जाएगी। हम लोग भी अगर किसी न्यू आदमी से अगर बात करते हैं या कहीं न्यू जगह में जाते हैं तो 1-2-10 दिन हम लोग को टाइम लगता है अपने आप को खुलने में, वैसे ही सेम इरिडेशन शार्क फिश के साथ में 1-2 दिन में नहीं हो जाता है, कोई फिशेज लोग ऐसा कर लेती है जिसका वैसा बिहेवियर होता है, लेकिन बहुत सारी फिशेज लोग टाइम लगाती है, तो इसलिए कम से कम भी आप टाइम दीजिएगा 10-15 दिन का, धीरे धीरे वो जैसे जैसे आपको समझने लगेगा तो आप देखिएगा वो सारा जो बिहेवियर हो उसका धीरे धीरे कम होने लगेगा, टैंक में ओपनली स्विम करने लगेगी, पैलेट्स वगैरह खाने लगेगा और उसका ऑटोमेटिकली जो स्ट्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये जो भी वीडियो था आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर आपको
आपको कुछ भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरा रिप्लाई जो आपको हमेशा की तरह इंस्टेंटली मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ अगर आपको कुछ और भी वीडियोज़ वगैरह देखना है, रेडिएशन शार्क फिश है इसका टेक केयर कैसे करना है, इसका फ्राइज का टेक केयर कैसे करना है, ये कैसे एकदम स्टॉप हो गई, इसका ग्रोथ एकदम स्टॉप हो गया, इसका ग्रोथ वगैरह कैसे बूस्ट करें, तो ये सारे टॉपिक के ऊपर मैं पहले से बहुत सारा वीडियोज़ है वो सारा वीडियोज़ भी आप ज़रूर से देखिएगा। अगर आपके पास रेडिएशन शार्क फिश है बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर बीइंग विद मी, और अब हम लोग जल्द ही मिलेंगे मेरे न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।